मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं 25 साल का हो गया हूँ और मेरे को एक बार भी जेल नहीं हुई क्योंकि मैं हरियाणा में पैदा हुआ और वहाँ हो जाती है, ऐसा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पहुँच रहा है धीरे धीरे, सबको थोड़ा थोड़ा पता है। मेरे घर में सबको उस धारा का पता है जो उन पे लगी हुई है। सबको अवेयर करते रहते हैं, ये मत करना, ये इसमें जेल निकल जाती है, पाइप चोरी गलत है। पंचायत में बैठते हैं वो संविधान है, अलग अलग होते हैं जेल हो जाती है। मेरे मामा का लड़का 19 साल का, उम्र कैद। घर वाले दुखी कि अब इसकी शादी कैसे करें, ये तो इक्वेशन बन गई है। एक दिन पैरोल पे आया 15-20 पुलिस वालों के साथ, मेरे मामा ने उसी दिन फेरे करवा दिए। रिश्तेदारों को झूठ बोल रखा है, जिनकी बेटी है उन्हें बोल रखा है कि बहुत बहुत बिजी लड़का है ये कभी कभी घर आता है, ये दो देशों की मर्चेंट नेवी में है। छह महीने ये इंडिया का है, 6 महीने श्रीलंका का, तभी तो 29 फेब की शादी रखी है। लकी है आपकी बेटी, अब 4 साल बाद आएगा बच्चा करने। मैं इसी सब के बीच बड़ा हुआ हूं, ये झूठ मेरे अंदर बहुत पहले से, मैं कई जन्मों से मैं हरियाणा में निकल रहा हूं। मेरा स्क्रैच कार्ड खराब है इस बार तो, क्योंकि जैसे ही दाई ने एक्सट्रैक्ट किया मुझे, मैं हंस ही रहा था, उसने फिर भी थप्पड़ मारा। जो जिंदा होते हैं वो रोते हैं। तीन साल का था मैं, मैंने अपनी पहली झूठ बोली। मैंने सुबह उठ के बोला, मम्मी मैं कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं हूं, मुझे सपना आया है कि पिछले जन्म में मैं स्वामी विवेकानंद था। मेरी छोटी सी मम्मी खुश हो गई। बोल रही है, बेटा आपके पिछले वाले माँ बाप क्या करते थे? बिहेव करते थे, वो मेरी रिस्पेक्ट करते थे, अपने दायरे में रहते थे। बनोगे मेरे पिछले माँ बाप? फिर आपस में बात कर रहे हैं, आज से इसे उल्टा नहीं लटकाएंगे, इसका दिमाग हिल गया है। बट मम्मी ने हमेशा मेरी बात मानी, इसीलिए कभी फोर्स भी नहीं किया मेरे को पढ़ाई करने के लिए। मैं अनपढ़ हूं, कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ाई एक कॉन्सेप्ट है, आप मानते हो आप पढ़ो। मुझे मत बोलो, 11th में बोल रहे PCM ले लो, मैंने देखी फिजिक्स की इतनी मोटी बुक, शुक्र है मैं तो भगवान में मानता हूं। मेरे को नहीं लड़ना उससे, मेरे को नहीं चाहिए क्रांति, मेरे को चाहिए लग्जरी, मुझे चाहिए कॉमर्स। बहुत टफ है घर वालों को मनाना। मैं पापा के पास आया, पापा मुझे कॉमर्स दिला दो, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास भी कॉमर्स थी। खुश हो गए, मेरा बेटा रॉकेट बनाएगा। बोल रहे, 2 बार कॉमर्स ले बेटा, बस बीच की मांग मत निकालना। वो दिक्कत थी उनके अब्दुल कलाम से, मिडिल पार्टिंग नहीं।
बेस्ट है कॉमर्स। टीचर डरे रहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, लगातार 15-20 मिनट पढ़ा दिया तो फिर अगले 2 साल सेवैया तोड़ेंगे क्या, ज्यादा नहीं। तीसरे दिन आके टीचर ने चौक उठाया और ऐसे लाइन खींची, बोला ये बैलेंस शीट है, उसके एक साइड एसेट्स लिखा है, एक साइड लाइबिलिटी। बच्चे बोले सर एसेट्स क्या होती हैं, बोला जो साइंस में बैठे हैं। और लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक करंट लाइबिलिटी जो कि तुम हो, एक फिक्स जो कि मैं हूं। मैंने 12th की, मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली बढ़िया जगह है। मैंने आते ही घर पे बोल दिया कि मेरी नौकरी लग गई है, मेरे से बात मत करना। भोचक के बोल किसने नौकरी दी, मैं अपना कर लिया, मैं एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर फ्लैटमेट हूँ। गांव में फैल जाता है ये, मैं जब भी जाता हूँ प्रेग्नेंट औरतें मेरा हाथ रखवा लेती हैं पेट पे कि हमारा जूनियर तो निकले। अभी वीडियो डाली तो घर वालों के लिए टफ हो गया ये झूठ बोलना, जो भी आ रहा उसे बोल रहे हैं ओंकार की तो यूट्यूब में नौकरी लग गई, उसे गंदे बेटे का रोल मिला है। बहुत टफ है डेट पे जाना, गया हूं मैं 50-60 बार गया हूं, लेकिन आज तक सेकंड डेट पे नहीं गया हूं। बहुत टफ है क्योंकि मैं जिस साइकी के साथ जाता हूँ वो ठीक नहीं है ना, वो मैं डेट पे जाके फील करता हूँ मैं तो लड़के वाला हूँ, मैंने इनफ नहीं कर दिया। बट ये सब नहीं, एक तो शहर में बातें भी अलग हैं, वो सब बातें ही नहीं कर सकते आप जो हरियाणा में कर सकते थे। हरियाणा में डायरेक्ट लड़की आपकी कास्ट पूछ लेती थी। केयरिंग होता है ये कि हम दोनों को जिंदा देख रही है फ्यूचर में, कितना प्यार करती है, QR मैच कर रही है। लेकिन आप दिल्ली में ये पूछो आप बैकवर्ड हो। मैं 15 साल का था, मेरे से गलती होगी, मैंने पूछ लिया मैम आप कौन से कबीले से हो, गुस्सा। अरे तू अब तक कास्ट में मानता है, मैं इस सब में नहीं सोचती हूँ, मैं इस सबसे ऊपर हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ मैं भोसड़ी के। जिस कंफर्ट से आपने भोसड़ी के बोला है आप जनरल हो। इंडिपेंडेंट कोई कास्ट नहीं है। बहुत वियर्ड है क्योंकि वहां पे मैं वो सब बता ही नहीं सकता जो मैं हूं। बोल रहे आप क्या करते हो, मैं बाप की जमीन बेचना चाहता हूं। मुआवजा एंथुजियास्ट हूं मैं। ये सब नहीं बता सकते कि मैं गवर्नमेंट के लिए ड्रग्स करता हूं, इंडिया को फेफड़े दिए हैं मैंने अपने। आपको सटल होना पड़ता है। फिर क्या करते हो आप, मैंने बताया मैं एस्ट्रे बनाता हूँ। किस चीज से, मैं हर चीज को, मैं रूम में घुसता हूँ मेरे को एस्ट्रे दिखती हैं, मान ही नहीं रही है। मैंने फिर उनके एयरपोर्ट खोले और उसमें करके दिखाया मैं क्रिएटर हूँ, विवेकानंद हूँ मैं। मुझे पसंद है क्लियर सिग्नल, जैसे चांटा, मुंह पे पानी, ये सब मेरा टाइम बचाते हैं। और फिर मैं प्रोडक्टिविटी में उसे
अगले दिन मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं इतना कंट्रोल है मेरा अपने दिमाग पे, बेइज्जत फील नहीं होता मुझे। तो दो ना क्लियर सिग्नल, मिक्स सिग्नल क्या है, मेरे को पता है डेट खत्म हो चुकी है क्योंकि उसने वेटर को बुला के बोला हमारा ऑर्डर टेक अवे। वेटर बोल रहा है मैम आपने बस रेगुलर वाटर मंगाया है, मैं जग मार दूं पानी का आपके। डेट खत्म हो चुकी है, आप जाओ ना, आप कंफ्यूज क्या कर रहे हो। मेरे को ऐसे करके बाय किया, क्या है ये क्वीन विक्टोरिया, मुझे नहीं पता ही। आप ये हरियाणा में कर दो, कोई कबड्डी का टैप लेके भाग जाए, मुझे पता ही नहीं है प्रोसीड क्या करना। मेरे को डर लग रहा है, मैंने इसमें हाथ फिट कर दिया, हमारी शादी तो हम दोनों क्रिश्चियन तो नहीं बन जाएंगे। आधा घंटा लगा मुझे, आधा घंटा ये फिगर आउट करने में कि ये भी तो एस्ट्रे है। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ मैं बोलूं, झूठ पे झूठ पे झूठ।